हेलो ममता मेकओवर में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं लेटेस्ट हेयर स्टाइल। देख सकते हैं मैंने पहले पफ बनाया है। पहले मिड पार्टीशन को मैं बैक कॉमिंग कर रही हूँ और उसके बाद से मैं हल्का सा आगे के कुछ हेयर्स में छोड़ के और मैं पफ बनाऊँगी, क्योंकि आगे ये प्लेट्स बनाऊँगी। और उसके बाद से कुछ हेयर्स लेके मैं एक पोनी बना रही हूँ, क्योंकि पीछे भी ऐसे एक डिज़ाइन बनाऊँगी। आप देखोगे आगे वीडियो में, आप देख सकते हो पोनी बना लिया। और ईयर के पास वन साइड मैं एक चोटी गूँथ रही हूँ, जो कि आप देखोगे कि इससे हेयर बैंड लुक आएगा। इसमें आप देख सकते हो ये चोटी बन गई है और इसमें से मैं हेयर्स को पार कर रही हूँ बीच बीच से। आप देख सकते हो कैसे मैं कर रही हूँ, ये पूरे राउंड पूरा ही हो जाएगा, जैसे लगेगा कि ये हेयर बैंड है। और जो लाइनिंग वाली हेयर स्टाइल नहीं होती है वो इसमें उभर जाएगी। आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से कर लिया, ये देख सकते हो ये पूरी प्रॉपर दिखेगी। बहुत ही प्यारा ये हेयर स्टाइल बनेगा, बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है, हर कोई कर सकता है अगर एक बार कोई देखे। मैंने भी एक बार ट्राई किया और उसके बाद से देख सकते हो मैंने कितना अच्छा बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हेयर स्टाइल कैसी लगी। आप देखिए पिनअप कर दिया मैंने और फिर उसके बाद से देखिए अच्छे से सिक्योर कर देंगे इन हेयर को। और उसके बाद से मैं एक पीछे डोनट भी लगाऊंगी, आप देखोगे इस पर मैं बहुत अच्छे से जूड़ा जो बनाऊंगी, देख सकते हो ये डोनट लगा दिया मैंने, डोनट ऐसे सिक्योर किया। उसके बाद से मैं 5 लेयर करूंगी इसमें, देखिए 1 2 3 4 5। और इसमें से मैं डोनट को छुपाऊंगी, वो भी ऐसे जैसे लगेगा कि चोटी गुद के ऐसे नहीं निकालते हैं वैसे ही। और यू पिन लगा रही हूँ, देखिए सिक्योर करने के लिए मैं यू पिन लगा रही हूँ फैला फैला के, कि डोनट ना दिखे और स्टाइल भी देखिए हो जाए। आप देख सकते हो कैसे मैंने किया है और ये पूरा फैल जाएगा। इनके बहुत हल्के हेयर्स थे, लॉन्ग थे हल्के थे, तो थोड़ी दिक्कतें हो रही थी। और बहुत ही सिल्की है हेयर्स इनके, देखिए। और मैं साइड से देख सकते हो मैंने यहाँ पर प्लेट्स डाल ली हूँ, मैं चोटी बना रही हूँ। आप देख सकते हो नीचे जो हेयर्स मैंने छोड़ा था उनका सबका चोटी बना लूँगी और राउंड राउंड कर दूँगी। जो भी रबर बैंड लगाया वो सारा छुप जाएगा और एक स्टाइल भी लगेगा इसमें। और बहुत ही इजी है ये, मुश्किल से हमने मतलब अभी बनाया था, 7 मिनट में ये हेयर स्टाइल बन के तैयार हो गया था। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिना डेकोरेशन के ऐसे है। आप बिना डेकोरेशन के भी रख सकते हो या फिर डेकोरेट भी कर सकते हो, हल्का हल्का बीट्स लगा सकते हो। मेरे पास बीट्स नहीं था, मेरे पास फ्लावर थे, वही मैंने लगा दिया था कि कुछ आपको दिखाऊं। ये देख सकते हो मैंने छोटे छोटे बीट्स नहीं थे मेरे पास, वो लगाते तो और ही प्यारा लगता। आप देख सकते हो अपने पास से आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। थैंक यू।